18 सितंबर को केंद्रीय ब्राह्मण महासभा युवा मंच के प्रतिनिधि मंडल ने वाराणसी नगर निगम के महापौर अशोक तिवारी से मुलाकात की। उनकी प्रमुख मांग थी कि शहर के एक प्रमुख चौराहे का नाम भगवान परशुराम के नाम पर रखा जाए और उनकी आदमकद प्रतिमा लगाई जाए। मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेश त्रिपाठी ने चेतावनी दी कि अगर इन मांगों की अनदेखी हुई तो सत्याग्रह अभियान शुरू किया जाएगा, जिसमें ब्राह्मण समाज संकीर्तन और बुद्धि शुद्धि करेगा। मैं ओंकार नाथ उपाध्याय, राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय ब्राह्मण महासभा। आज किस तरह की प्रेस वार्ता की है? आज की प्रेस वार्ता का उद्देश्य है, अभी कुछ दिन पहले हमारे केंद्रीय ब्राह्मण महासभा के युवा मंच के पदाधिकारी, युवा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेश त्रिपाठी के नेतृत्व में नगर निगम में महापौर जी से मिलने गए थे। भगवान परशुराम की प्रतिमा किसी चौराहे पर लगाने के लिए और उस चौराहे का नाम भगवान परशुराम के लिए रखने के लिए महापौर जी ने ये कहा कि अभी शासन से इस पर रोक लगी हुई है। हमारे पदाधिकारियों ने पता किया शासन प्रशासन में, तो ये पता चला कि नगर निगम ऑटोनॉमस बॉडी है, ये अपना प्रस्ताव पारित करके और किसी भी मोहल्ले का नाम या किसी भी चौराहे का नाम नामकरण कर सकती है। तो यह ध्यानाकर्षण करने के लिए महापौर जी का कि कृपया वो हम लोगों की मांगों पे विशेष ध्यान देते हुए और बनारस के, हमारी मांग है कि बनारस के किसी चौराहे का नाम बिल्कुल ब्राह्मणों के आराध्य भगवान परशुराम के नाम पर करने का कष्ट करें, ये हमारी मांग है। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने तो उस समय यही कहा कि अभी इस पर रोक लगी हुई है, लेकिन जब हमारे पदाधिकारियों ने इस चीज़ का पता किया शासन में, तो ऐसा हुआ कि नहीं, ऐसा कोई रोक शासन द्वारा नहीं लगी हुई है ये।